पंडित जी इस मानस मंच पर पधार रहे हैं, मैं समस्त जनों से आग्रह करूंगा कि उनके आगमन का स्वागत करें। पूज्यपाद पंडित जी मानस मंच पर विराजमान हो रहे हैं। मैं स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु वंदे महाराज की जय हो।
भागवत कथा के रसिक पिपासु यीशु हैं, श्रद्धामयी ममतामयी माताओं बच्चों, काव्य कामनी आमनी निशा कर संत हंसावतन पूज्य पाद श्री तुलसीदास जी ने हम जीवन में शांति कैसे प्राप्त करें, हमारा जीवन प्रकाशित कैसे हो, आलोकित कैसे हो, इसके लिए भारतीय संस्कृति के परंपरा अनुसार मनुष्यों ने एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन को ही मन की एकाग्रता के लिए अवलंबन माना है। धन्यवाद से हम एक संकीर्तन करें। जय सिया राम, 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 जय Thank you.
प्राप्त है। विश्व के इतिहास में जितना सम्मान और जितनी लोकप्रियता श्री रामचरित मानस को मिली आज तक किसी ग्रंथ को नहीं मिली। तो श्री रामचरित मानस इस शब्द के पीछे क्या संकेत है, नाम की महत्ता क्या है, इस पर अपन दो दिनों से विचार कर रहे थे। भगवान शिव रच तो लिए थे लेकिन पात्र के अभाव में उसे अपने मन में छिपा लिए। मैंने ये मंदाकिनी देखिए भाई बुरा नहीं मानना, कथा में बैठना अलग बात है और कथा सुनना बिल्कुल अलग बात है। सती जी बैठी थी, उपस्थिति थी, महर्षि अगस्त के आदमी कथा नहीं सुनते तो 10,000 भीड़ से मतलब नहीं है, दिशा विहीन भीड़ चाहे लाखों की हो आदमी हो रहा है। 10,000 चूहों के चमड़े से नगाड़े नहीं बचते, तो दिशा विहीन भीड़ 10,000 की हो क्या फायदा उससे। भगवान शिव जी ने अकेले पार्वती जी को कथा सुनाई थी, कोई भीड़ नहीं। तो संकेत अवश्य इस कथा का यह है, कथा में बैठना कथा में होना बिल्कुल अलग बात है और कथा श्रवण करना बिल्कुल अलग बात है। अहंकार की धरती पर जब तक व्यक्ति बैठा रहे वो कथा सुन ही नहीं सकता। आपने अब यहाँ तो गीता जयंती में साहब जी कुछ मनाते हैं, गीता जी का एक बड़ा मार्मिक सूत्र है, दोनों योद्धाओं के बीच में भगवान ने रथ को स्थापित किया लड़ाई प्रारंभ होने के पहले। श्री कृष्ण से गीता जी का ज्ञान प्राप्त करता है, शोरूल का असर नहीं होता उसके जीवन में, और धृतराष्ट्र अकेले बैठा है कमरे में, केवल संजय है और धृतराष्ट्र है, कोई तीसरा आदमी नहीं है, कोई शोरगुल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई व्यवधान नहीं, लेकिन अकेले रहकर संजय के द्वारा आंखों देखा हुआ हाल कह डाले पूरे, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह नष्ट नहीं हुआ। जब कोई भीड़ नहीं थी, अकेला था, कोई शोरगुल नहीं, यहाँ सारे शोरगुल हैं, सेना के बीच में, ऐसा क्यों? इसलिए कि धृतराष्ट्र अहंकार की गद्दी पर बैठा था, मैं राजा हूं इस पद के अहंकार को ओढ़ कर बैठा था, तो भले ही एकांत में रहे लेकिन उसे ज्ञान नहीं हो सकता। अब अर्जुन का अर्थ ही होता है सरल, ऋजु धातु से संस्कृत के अर्जुन शब्द का निर्माण होता है, ऋजु का मतलब होता है सरल। इसलिए शिष्यतेहं शालिमान त्वां प्रपन्नम्, भगवान मैं आपका शरणागत प्रपन्न शिष्य हूं, शरणागति ग्रहण की सरलता है उसमें अभिमान नहीं है। तो जो सरल होकर ये कथा सुनता है अभिमान त्याग कर, आप भी तो नहाते हो तो जूता पहन के नहीं नहाते ना, गंगा जी में जाते हो नहा जूता पहन के नहाते हो, तो अहंकार का और ममता का ये दोनों जूतों को पहनकर अगर आप कथा सुनेंगे तो पूरी कथा होने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा। अहंकार के जूते को और ममता के जूते को, ये दोनों बंधन हैं, यही छल और कपट कराते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज इस कान से सुने और इस कान से बह गया, मैं नहीं मानता, कान से कान में कैसे बहेगा, दोनों कान से जब सुना जा रहा है तो एक से एक। अच्छा मुझे बताओ, पहले पैरेलल टेलीफोन आता था, एक नंबर के दो टेलीफोन एक घर में और एक दुकान में, अब वो रिंग कोई डायल करेगा दोनों एक साथ बजते थे ना, बोलो। अब मार अचंबा मानते थे लोग, विज्ञान की कैसी तरक्की है, एक नंबर के दो टेलीफोन है तो एक घर में बज रहा है और एक दुकान में बज रहा है, अरे परमात्मा ने यह टेलीफोन तुमको पहले से दे दिया है, दोनों कान एक साथ सुनते हैं कि नहीं, अलग अलग सुनते हैं, बोलो।
एक साथ सुनते हैं ना, तो जब सुन रहे हैं तो एक में सुन रहा है, टीवी सुन रहा है, तो यहां से निकले कैसे? या तो दोनों से निकलेगा चाहे एक से निकलेगा। जब दोनों सुन रहे हैं तो एक से सुनना और एक से निकलना तो बात मेरी समझ में नहीं आती, तो फिर निकलता कैसे? बहुत बढ़िया घड़ा हो और उसके पेंदे में छेद छेद हो दो ठो, अब बढ़िया प्योर गोरस ला रहे हैं, अब घर के आते तक पूरा मटका खाना, कहां से निकला? छेद से निकला। ऐसे ही हृदय घड़ा है, इसमें दो छेद है हमारे, एक छेद है अहंकार का और एक छेद है ममता का। अहंकार से मैंने क्या बताया था, क्या करता है अहंकार? अरे बोलो भाई, कुछ तो होना चाहिए कि आप ध्यान से सुन रहे हो। मैंने कल ही या परसों बताया था, अहंकार से छल होता है और ममता से कपट होता है। ममता कपट कराती है, बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, किसी के प्रति ममता हो तो पक्षपात करेगा आदमी। वो सास वाला उदाहरण नहीं दिया था, दामाद जी आया, दो मित्र हैं, तो पूछो मत पता, सास जी परोसे के तो पता चल जाएगा मैं दामाद कौन हूं। तो ममता कपट कराती है, ठीक है, और अहंकार छल कराता है, और यही दोनों छल और कपट है। मानव जी ने कहा है सूत्र में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन न भावा, मोहि कपट छल छीन। कपट और छल ही ये हृदय रूपी घड़े के छेद हैं, और जब तक हम कपटी रहे, भारी बीमारी है ये, यहां तक पति पत्नी में, पति को अगर पता चले कि मेरी औरत मुझसे कपट कर रही है, झूठ बोल रही है, तो महाराज वहां से दरार शुरू हो जाएगा। अब पत्नी को पता चले कि मेरे पति मुझसे कपट करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो दरार शुरू हुआ नहीं। अब मैं आपसे दावे से कहता हूं, व्यास मन से, रामायण में भी उस कपट के दाग को धोने की ताकत नहीं है। वो 10 साल जाके हिमालय में तपस्या करेगा और तपस्या करके आएगा ना, तो बोले ये वही कपटी है, बड़ा साधु बना है, धुला दाग। कब धुलता है? जब उसकी चीता जलती, मर गया कपटी। सबसे भयानक रोग है कपटी होना और अहंकारी होना, और आदमी को पता नहीं चलता कि मैं कपटी हूं, मैं अहंकारी हूं। दूसरा कोई बोल दे बहुत घमंडी हो, बड़े कपटी हो, तो लाठी उठा लेगा मारने को। कोई मानता नहीं नहीं है अपने आप को रोगी, और यह प्रत्येक व्यक्ति में रोग रहता है। पहले के हमारे पूर्वज सरल होते थे, बोलो ना, उस आज तो मैं की जरूरत है, 33 करोड़ देवता बैठते थे सुनने के लिए, नैमिषारण्य में 88 ऋषीश्वर बैठे थे और अकेले सूर्य जी बोल रहे थे, कैसे सुने होंगे, मैं तो नहीं। इसलिए ये जो एरियल था हमारे, एंटीना आज की भाषा में, शिखा हमारी चोटी, यहीं से रिसीव करते हैं मैसेज को, चाहे वो अमेरिका में बोले। अब भीतर के जो प्रज्ञान है वो खुले रहते हैं उसके, ऐसे नहीं थे। आज कहा कितना गिर चुका है आदमी, पशु से भी गिर चुका है। पशु तो कम से कम संस्कार का दंभ नहीं भरता कि मैं संस्कारी हूं, मैं पूजा करता हूं, कल के लिए भी नहीं सोचता। कोई पशु अपनी पीठ पे कल के लिए लाद के नहीं ले जाता, कल क्या खाऊंगा, अभी शादी नहीं हुई है और बटोरना शुरू हो गया, कल मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, क्या होगा। सबसे गिरावट अगर हुई है तो केवल और केवल आदमी में हुई, जिसको सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। इसलिए दो ऐसी बीमारी हमारे जीवन की, अहंता और ममता, जब तक ये कपट और छल बने रहेंगे, याद रखना, तब तक भगवत कथा रूपी अमृत हृदय रूपी घड़े में टिकेगा नहीं, क्योंकि वो छेद से पार हो जाएगा, निकल जाएगा। यही कारण है कि सुनते तक अच्छा लगता है। भगवान कितना सुंदर संकेत, भगवान रावण के सिर को काटते थे फिर पैदा हो जाते, यहां कटते हैं सिर,
सचमुच मुझमें भी बीमारी है। यहाँ सोचने को विवश होता है यार, कहीं ना कहीं मुझमें भी तेरी बीमारी है, मैं भी अभी तक गलती करते आ रहा था, अब नहीं करूँगा। घर में जाता है तो फिर सिर शुरू हो जाते हैं, फिर हाथ पैदा हो जाते हैं, फिर करना शुरू कर देता है। ये तो प्रैक्टिकल रखा है, उस समय मैंने दर्पण रखा है हमारे सामने। रामचरित मानस जी दर्पण है हमारे जीवन के। तो अभी तक आपने नाम की महत्ता सुनी, मार्च के महीने में कुंभ होता है हर माह में, एक बार भरे मकर सब मुनि से आशमन सिहा, जाग बनिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद। जाटवल जी के चरणों में गिर पड़ जाएगा, सोचो आप ये कितनी मानता है। भरद्वाज जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, परमार्थ पथ परम सुजाना विशेषण छुपाई उनके लिए। भगवान ने भरद्वाज जी के से ही मार्ग पूछा था कि महाराज हम किधर जाए। भरद्वाज जी मुस्कुराए, भगवान ऐसा प्रश्न कर रहे हैं आप कहाँ जाना है ये आपने ही बताया, पूछ रहे हैं किधर जाए। अरे आपको यही जाना होता है, बलौदा जाना होता है तो भैया बलौदा का रास्ता कौन सा पूछते हो, भैया रास्ता कौन सा है और स्थान का नाम ना बताओ तो कोई क्या बोलेगा। अरे कहाँ जाना है ये पहले पूछेगा ना। अब भगवान राम मार्ग केवल पूछते हैं, कहाँ जाना ये नहीं पूछते, क्योंकि परमार्थ के मार्ग के परम सुजाने हैं, साधक के लिए रास्ता बताते हैं। क्योंकि आप ही ऐसे मुनि हैं भगवान जो प्रयाग में रहते हैं, बहुत मार्मिक बात है। प्रयाग में गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और सरस्वती जी हैं। ध्यान देना, गंगा जी अपने आप में त्रिवेणी है। सबसे पहले गंगा जी जुड़ी ब्रह्मा जी के हाथ से, क्योंकि बलि बामन के प्रसंग में आपने भगवत जी में कथा सुनी होगी, भगवान ने जब विराट रूप लेकर नापने के लिए चरण बढ़ाया तो उन्हीं चरणों को धोना चाहा ब्रह्मा जी ने। जो ब्रह्म लोग पहुंचे तो अपने कमंडल से धोया होगा, तो एक हाथ से डाला होगा दूसरे हाथ से धोया होगा, तो गंगा जी पहले किससे जुड़ी, ब्रह्मा जी के हाथ से। हाथ से होता है कर्म, ध्यान देना मेरी बात, किसमें डाले और जल को, तो भगवान विष्णु के चरण में। चरणों से प्रीति की जाती है, भगवान के प्रेम किया जाता है, भक्ति की जाती है। किसी ने आज तक तुम्हारे मुंह से भक्ति हो, तुम्हारे हाथ पर प्रेम हो ऐसा नहीं मांगा है, सबने मांगा है तुम्हारे चरणों से प्रेम हो। चरणों में भक्ति होती है, चरणों में प्रेम होता है, क्योंकि चरण ऐसे हैं भगवान के। क्या बताऊं मैं, भगवान वन पथ पर जा रहे थे तो जानकी जी थक गई, लेकिन अब कैसे कहें, अभी बबी तो यात्रा शुरू हुई है। अगर वो कहें भगवान थोड़ा सुस्ता लें तो भगवान कहें भगवती अभी भी अच्छा है, चलिए मैं अयोध्या वापस कर देता हूँ, अभी तो 14 वर्ष जंगल में चलना है, अभी तो शुरू हुई है, थक रही है। लेकिन एक सुंदर बहाना करते हैं, जल को गए लखन हुए ललिता परिखो पिया प्रभु। लक्ष्मण लड़िका है, लड़िका हमारे छोटे बालक, और जंगल है जो पानी लेने गए हैं, कहीं भूल न जाए। अच्छा होता कि यहीं कहीं अटक कर रुक कर लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर ले, कैसे मर्यादा भरी वाणी है। ये नहीं कहा कि मैं थक गए सुस्ता, भगवान समझ गए, मुस्कराए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर कांटा निकालने लगे पहले से। लेकिन वहां एक शब्द है विनय पत्रिका में, कवितावली में, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े,
बहुत देर से कांटा निकालने लगे। जानकी जी ने गौर से देखा, पूछा, भगवान आप कांटा निकाल रहे हैं कि कांटा निकालने का अभिनय कर रहे हैं? अगर आप कांटा निकालना चाहते तो कांटा निकल जाता। ऐसा लगता है कि आप निकाल नहीं रहे, कांटा निकालने का अभिनय कर रहे हैं। हमें समझ गई सरकार, कांटा क्यों नहीं निकल रहे? भगवान ने पूछा, कैसे नहीं निकल रहे? बोले, हाथ जाते हैं चरणों के पास, क्योंकि कांटा पैरों में चुभे हैं, और हाथ न्याय करने वाले हैं, क्योंकि धनुष्वाण हाथ धारण करते हैं, तो हाथ है न्याय करने वाले और चरण है करुणा करने वाले। तो हाथ कहते हैं जो कांटे पीड़ा दे रहे हैं, चुभ कर उनको लाव में निकाल के फेंक दें। तो चरण कहते हैं, नहीं, जो मेरी शरण में आ गया है, मेरी गोद में आ गया, उसे रहने दो, मत निकालो। तो करुणा का और न्याय का झगड़ा हो रहा है भगवान यहां। देखिए जीत किसकी होती है। जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं निकाल दूं? भगवान राम बोले, नहीं भगवती, आप निकालेंगे तो सिद्धांत उल्टा हो जाएगा। कैसे? बोले, आप भक्ति हैं, अब भक्ति का काम है जीव को मेरी शरण में लाना, मेरे चरणों में लाना, ये आपका काम है। अब मेरे चरणों में जो आ गए हैं उनको निकाल के दूर करना, तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा? आप तो मेरी शरण में, मेरे चरणों में करुणा करके जीव को लाती हैं। मारी जैसे कपटी के पीछे भी आगे चल के आप ही भगाएंगे मुझे, भले ही कपटी, लेकिन कृपा करो इस पर। तो आप तो करुणा करके, कृपा करके मेरे चरणों में लाने वाली हैं, और आप ही जो मेरे चरण में आ गए हैं उन्हें उल्टा निकाल कर बाहर फेंकेंगी, तो लोग क्या कहेंगे? जानकी जी चुप हो गए। लेकिन तब जीत किसकी हुई? हाथ की कि चरण की, न्याय की कि करुणा की? तो उत्तर कांड में लिखा है गोस्वामी जी ने, जब राम राज्य हुआ, अब भगवान श्री राम जब राजा बनकर बैठे, तो वेद रूप बदल कर भगवान की स्तुति करने आए। तो भगवान सिंहासन पर बैठे हैं ऊपर, और वेद नीचे खड़े हैं। ऐसे में भगवान का तलवा दिखाई दे रहा है, नीले वर्ण है ऊपर की, और लाल कमल जैसा भगवान का तलवा है, और लाल तलवों में कांटा काला काला जो चुभा हुआ था वो वेदों को दिखाई दिया। रोमांचित हो गए, आंखों से आंसू निकल आए, धन्य है भगवान। ध्वज कुलिश कंठ कंजर जूत वन फिरत कंटक किन लगे, कंज बंद मुकुंदरा रमेश नीत भजाम है, पद कंज बंद मुकुंद। कांटे भगवान के चरणों में तब तक चुभे थे, भगवान ने नहीं निकाले, तो विजय हुई करुणा की। अब आइए प्रसंग पर, गंगा जी के ऊपर अपन विचार करें। गंगा जी तीनों हैं, ज्ञान भक्ति और कर्म। और प्रयाग में रहने वाले हैं ऋषि भरद्वाज, प्रसंग मत भूलिएगा। तो गंगा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के हाथों से जुड़ती हैं। हाथों से सत्कर्म होता है, अब उसके बाद भगवान के विराट के चरणों को धोया ब्रह्मा जी ने, तो भगवती गंगा जी जुड़ी भगवान के चरणों से। चरणों का धोवन है गंगा जी, इसलिए ब्रह्महृत कहा गया उन्हें। भगवान का चरणोदक है, और उस चरणोदक को भगवान बहुत भगवान शिव ने अपने सिर में धारण किया। तो कहां कहां जुड़ी गंगा जी?
ध्यान विचलित मत कीजिए, आप लोग आराम से इधर ध्यान रखिए, कथा सुनिए। पहले जुड़ी गंगा जी ब्रह्मा जी के हाथों से, दूसरा जुड़ी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के चरणों से, और तीसरा जुड़ी भगवान शिव के सिर से, उन्हें भी धारण किया। तो सिर में होता है ज्ञान, चरण में होती है भक्ति, और हाथ में होता है कर्म। तो क्या क्या हुआ, ज्ञान भक्ति और, तो गंगा जी क्या है, अपने आप में त्रिवेणी है, ज्ञान भक्ति कर्म। तो सोचिए, गंगा जी है प्रयागराज में, और यमुना जी है साक्षात भक्ति, भगवान कृष्ण की प्रिया कालिंदी के रूप में पटरानी है भगवान की। आज आचमन करने का मन नहीं होता माता, इतना हमने प्रदूषित कर दिया, बहुत पीड़ा होती है। तो यमुना जी है भक्ति, गंगा मैया है एक रूप में देखे तो ज्ञान, ज्ञान भक्ति, और सरस्वती जी छिपी रहती है, कितनी सुंदर बात है। क्यों छिपी रहती है, बिना सरस्वती जी के मिले प्रयाग बन ही नहीं सकता। आप बद्रीनाथ गए हो तो रास्ते में रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, गरुड़ प्रयाग सब पढ़ता है। जहां जहां सरस्वती मिली है वहीं प्रयाग बनता है, बिना सरस्वती जी के मिले प्रयाग बन ही नहीं सकता। क्या मतलब इसका, क्या आवश्यक, सरस्वती माने सत्कर्म ध्यान दिए। हम ज्ञान की बात करते हैं, भक्ति की ऊंची बात करते हैं, लेकिन इसकी परीक्षा हमारे कर्म से होगी कि हम कितने ज्ञानी हैं और कितने भगत हैं। और कर्म उल्टा हो गया तो केवल वाणी से कहने के लिए पैसा लगता नहीं, बोलना भर तो है। चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो दस आते हैं समझाने को। सरल है समझाना कहना। तो हम गंगा जी माने ज्ञान, यमुना जी माने भक्ति। हम ज्ञान की भक्ति की बड़ी ऊंची चर्चा तो करते हैं, अपने को आप विद्वान साबित करने के लिए हम भी जानते हैं, लेकिन उसकी परख किस में होती है, सरस्वती में, कर्म में। कर्म में अगर ज्ञान दिखता है, कर्म में अगर भक्ति दिखती है, तो हमारी कथनी और करनी दोनों अगर एक है तो प्रयाग हमारे जीवन में था नहीं। तो सरस्वती जी के मिले प्रयाग बनता ही नहीं। अब भरद्वाज जी कौन है, जिनमें ज्ञान है, भक्ति है और सत्कर्म है, और उसके बाद परमार्थ पद के परम सुजान है, इतने महान है भरद्वाज जी। अब वो चरणों में गिरे, देखो माता वो सरलता, ऐसी गंगा नहीं बहती रामकथा की, होना तो ये चाहिए। भरद्वाज जी कथा कहते और याज्ञवल्क्य जी सुनते, मैं नहीं कह रहा हूँ याज्ञवल्क्य छोटे हैं, ऐसा भाव मत लीजिएगा, लेकिन ऋषि की सरलता देखिए, चरणों में गिर के चरणों को पकड़ ली। जाग बालक मुनि परम विवेकी, जाग बालक भरद्वाज राखे पद देसी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। चरणों का प्रक्षालन किया, विधिवत पूजा की भरद्वाज ने, और आसन देकर बैठाए, तो सामने हाथ जोड़कर बड़ी मधुर वाणी से बोलते हैं, भगवान एक बड़ा संशय मेरे मन में है, और वेदों के सारे तत्व तो आपकी मुट्ठी में, आप इतने ज्ञानी हैं, इसलिए भगवान गुरुदेव की वाणी के माध्यम से सारे संशय की निवृत्ति होती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भगवान,
कि भगवान बहुत भावन शिव जिस श्री राम को भजते हैं ये वही दशरथ नंदन है कि कोई दूसरे। तो मुस्कुराए राम कवन प्रभु पूछूं कोई, अगर हम दशरथ नंदन श्री राम को परब्रह्म परमात्मा मानते हैं तो उनका चरित्र सारा संसार जानता है कि वो नकली मृग के पीछे दौड़े, अपनी पत्नी को गंवा बैठे, रावण ने चोरी कर ली और रावण को क्रोध में आके मार दिया। तो ऐसा लगता है कि उनमें काम भी है, लोभ भी है, क्रोध भी है। तो परब्रह्म परमात्मा में तो काम क्रोध और लोभ होता नहीं, ये मेरे मन में शंका है। तो प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। अब देखिए रहस्य खोलते हैं, भरद्वाज जी कितने महान हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा धन्य तुम्हारी सरलता, धन्य है तुम तो राम भगत तुम मन कमा जैसे आपने प्रश्न किया भरद्वाज, धन्य है आप, अरे आप तो मन वचन कर्म से भगवान के भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, आपके माध्यम से सारे संसार को आप भगवान श्री राम की कथा सुनाना चाहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी के श्री मुख से भरद्वाज जी ने अपनी सरलता के द्वारा कथा सारे संसार को सुनाई। और सुनो कालभूषण जी के माध्यम से गरुड़ जी ने कैसे जोड़ी है मुझे बताओ। तो गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। अब कालभूषण जी को चंडाल पक्षी कहा है कौआ, बाकी गिद्ध जो है मरने के बाद ही चोंच मारता है पशु में, लेकिन कौआ ऐसा चंडाल है कि अगर हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं ना, कान नहीं चल रहे हैं, पूंछ नहीं रही तो जीवित में मार देता है चोंच, इसलिए उसको चंडाल पक्षी कहा गया है। और भगवान श्री ने कहा भाई जब पक्षी राजा को आज की भाषा में कहें तो एक स्वीपर के पास, नाली साफ करने वाले के पास, किसको भेजा, राजा को भेजा, तुम जाकर कालभूषण जी से कथा सुनो तब तुम्हारा संशय नष्ट होगा। सोचो आप किसने भेजा, तो मानव जी के जो रचयिता भगवान श्री है उन्होंने भेजा। किसको भेजा, तो राजा को भेजा। कहां भेजा, तो चंडाल के पास। अब राजा अपने राजापन के अहंकार को लेकर बैठे तो कथा सुनेगा, इसलिए पहले ही शर्त है कथा सुनने में, ऐसे नहीं है राम कथा। तो हाथ जोड़कर पूजा की महाराज पहले कालभूषण जी ने, अगरुण जी ने कहा मैं धन्य हो गया,
इस आश्रम में आते ही धन्य हो गया, मेरा संशय नष्ट हो गया। आप कथा सुन, और राजा हाथ जोड़कर नीचे बैठा है और व्यास आसन पर कालभूषण जी बैठे, ये जोड़िए राम कथा है। अब ध्यान समझिएगा, भरद्वाज जैसे आपने संशय किया है, अब वस्तुतः आपके मन में संशय है नहीं, क्योंकि पहले कह दिया है कि नेव प्रश्न मनो अति मूढ़, मूढ़ नहीं अति मूढ़ के जैसे आपने प्रश्न किया है, इसके माध्यम से आप चाहो सुने राम गुण मूढ़, भगवान के गूढ़तम चरित्र को आप सुनना चाहते हैं, ये कथा की प्यास है। और कथा की प्यास को बुझाने के लिए मूढ़ जैसे आपने प्रश्न किया है, जबकि आपके मन में कोई शंका नहीं है, केवल भगवान के अनुपम उदात्त चरित्र को सुनने की प्यास है। तो भरद्वाज जी को संशय नहीं ना, प्रमाणीकरण कर दिया। ऐसे ही संशय की नभवानी, ध्यान देना, जगदम्बा परम्बा महामाया भगवती सती को शंका हो सकती है, क्यों? जगत जननी मातेश्वरी को शंका होगी नहीं होगी? क्योंकि यहां प्रमाणित है, माना जी बहुत गंभीर है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, भोपाल जी मैं श्रीमद् भागवत जी को हनुमान चालीसा जैसे सरल करके पढ़ाता हूं, संस्कृत के मेरे गुरुदेव आशु कवि हैं संस्कृत के, लेकिन वही मेरी बुद्धि जो भागवत जी को सरल करके पढ़ाती है, जब रामचरित मानस को पढ़ता हूं हिंदी में है तो अटक जाती बुद्धि, सोचने में विवश हो जाती है, जबकि अवधि भाषा में हिंदी में, इतने गंभीर है मानव जी और सरल से सरल है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, अंगूठा छाप भी आनंद लेता है, और बड़े से बड़े विद्वान भी डुबकी लगा के मर जाए तो था नहीं पता, इतने गंभीर है। तो देखिए कितना गंभीर हो गया यहाँ, जैसे भरद्वाज जी को कोई संशय नहीं है, केवल राम कथा की प्यास है, और मूर्ख जैसे मूढ़ जैसे प्रश्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे ही संशय की नभवानी, ऐसे संशय की भवानी, महादेव कब कहा ऐसी संदेह मां सती ने किया था भगवान राम को सीता जी को खोजते देखकर, ये वही राम है कोई दूसरे है? तो भगवान भूत भावन श्री ने मानकर समझाया था लेकिन नहीं मानी। तो सती जी को जो संदेह हुआ, माताओं ये लीला है, उनके माता सती को संदेह हो ही नहीं सकता, इसको सरल करके समझो, मैं समझाता हूँ प्रवचन में अधिकांश, जैसे आपका नन्हा सा बच्चा है और जब ठुमुक ठुमुक चलना सीखता है, खड़ा होता है, तो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए चॉकलेट वगैरह पकड़ करके थोड़ा दूर में खड़ी हो जाती हैं, अब कहती हैं हाँ बेटा यार, और जैसे वो कदम उठाता है आगे बढ़ने के लिए तो आप फिर एक दो कदम पीछे हटती हैं। मैं पूछता हूँ आपको सीधा चलना आता है ना, तो उल्टा क्यों चल रही है? अपने बच्चे को सीधा चलाने के लिए है ना। ऐसे जगत जननी माह महामाया अपने दुनिया के सारे बच्चों को सीधा चलाने के लिए, लीला करने के लिए ये संशय करती है, मोह करती है। इसलिए माँ सती जी में मोह हुआ था, ऐसा मत करना, तो भ्रांति है, भ्रम पड़ जाओगे। माँ सती ने लीला करके बताया, मोह धारण करके, कि तुम अहंकार की भूमि में बड़े बाप की बेटी बनकर देखोगी दक्ष की जैसे मैं हूं, तो राम को सामने देख करके भी पहचान नहीं पाओ।
अहंकार अगर रहेगा, ये सिद्धांत को समझाने के लिए माने लीला की याद रखना, माँ सती को जगत जननी भगवती को कैसे शंका और मोह होगा, ये तो उनकी महामाया है, उन्हीं के द्वारा तो भगवान सब लीला करते हैं। इनकी शक्ति न मिले तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो भगवान शिव से बड़ा मार्मिक विनोद किया है, ये जगदम्बा अगर आपके घर में अन्नपूर्णा के रूप बनी होती ना भगवान, तो आप भीख मांगते। शिव जी को कहा भगत ने, भगवान शिव ने कहा कैसे भीख मंगवाते मुझे, बोले काहे न मांगत भीख घर में नहीं एक अन्न अधेला, तुम्हारे घर में एको पैसा तो है नहीं महाराज, न कोठी है न धान है कुछ नहीं, घर ही नहीं है तुम्हारे, अब खवैया अतका जाने एक मोर अतीस बाग बनतीस तुम्हारे घर में सबे है, तो जब देखा गनाथ ब्रह्मा जी के बेटा तुम, भागवत जी के अनुसार सृष्टि जब की उन्होंने तो मानसिक सृष्टि में गुस्सा जब उनको कोप किया तो भ्रिकुटी को भेदन करके रुद्र के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। तो उस दृष्टि से चतुरानन बाप, तुम्हारे बाप के चार मुंह हैं ब्रह्मा जी, अब पंचानन आप तो खुद पांच मुंह वाला, अगोद गजानन, अब बेटा बैठे गजानन तो लंबोदर भारी पेट वाला है, अब दरवाजा पर नंदी बैठे तो वो भारी पेट वाला है। अच्छा चतुरानन बाप पचानन आप गोद गजानन बैल तबेला शेष चढ़े सहसानन, क्या बात है, जो सीन में बैठे थे हजार मुंह वाले शेष वो एक मुंह वाला नहीं, और ले दे के तो चेला मिली तो वो दस मुंह वाले दसानन, दसानन चेला शीश चढ़े सहसानन है गोद गजानन बैल तबेला। एक तू तो भीख मांगता महाराज, अन्नपूर्णा भगवती ने आपका हाथ थाम दिया है ना, एक सिद्धि तुम्हारा सब आवश्यकता पूर्ति होती। तो तात्पर्य खैर भक्तों की भावना है, तात्पर्य मेरा है कि उनकी महामाया है, आदर शक्ति है भगवती, चल करके लीला करने वाली माँ पूर्ण बताती है। लीला की दृष्टि से इस कथा को सुनिएगा, जैसे कई कई माँ लीला करवाई भगवान ने भूमिका दी है, माँ कई कई का दोष नहीं है, लेकिन बिचारी अतका बदनाम हो गए, कोनो माता ही अपन बेटी के नाव कई कई नहीं रखे, आज भी बदनाम है, सुमित्रा रखी कौशल्या रखी, लेकिन कह गई आगे चल कथम समझिए, अब कारण केवल और केवल भगवान ही लीला है ना, लीला को खेलता पहले यहाँ तो आपके लीला के पार्टी है, तो पहली पाठ बांटती नहीं बांटती, तो वो पाठ करे खातिर उसने पात्र चुनते बताओ, रावण के पाठ करे खातिर प्रताप भानु चुनी भगवान, जगत प्रताप है सूर्य समान है, इसे साधारण कर विरोध में कोनो खलनायक के पाठ कर सकते का आदमी, मल पूछिन महाराज इतका बड़े राजा प्रताप भानु धर्मात्मा ला राक्षस काबर पनिस, मैं कि आज भी रावण के पाठ करते ना या कंस के, थोड़ा दमंग आदमी करते दुबला पतला नहीं कराए, करते नहीं करें, कृष्ण के विरुद्ध खड़ा होना है कंस बन के, रामलीला में राम के विरुद्ध रावण पर खड़ा होना तो कितनी रह करिएगा, तो प्रताप भानु कैसे चाहिए, तो भगवान ने भूमिका सौंपी है, वैसे कैकेयी माँ को भूमिका है, जब तक भरत जी के चरित्र का अमृत नहीं निकलेगा और लोग नहीं पिएंगे उसे, तब तक मन का रोग नहीं मिटेगा, और जब तक मन का रोग पूर्ण नहीं मिटेगा तब तक राम राज नहीं बन सकता, राम लोग बैठे नहीं तो राम कैसे बैठे, वही एक प्यार अनुभव करवा, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम तुलसी कबहू नहीं सकहीं, रवि और रजनी एक था नियम, इसलिए इसको लीला की भांति से देखना, लीला है भगवान की, ये मत सोचे कि सती जी अहंकारिणी, हाँ लीला करें, तो आइए कथा प्रसंग पर कीर्तन कर लो।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
कथा के प्यास सुनाता हूं। सबसे उच्चतम शिखर कैलाश और दंड कारण्य इस धरातल पर निम्न धरा पर शापित भूमि वहां रहते हैं महर्षि अगस्त और नंदी पर बैठ के लिए पैदल भगवान शिव उस ऊंचाई से उतर कर राम कथा सुनने के लिए ये बताते हैं कथा की प्यास क्या होती है। जैसे मैंने कई बार कहा है दुनिया में इसने कोनो कथा कहने वाले हैं किसने कथा कहे जैसे हनुमान जी को बोली सुने हो सकत है क्या? तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है लेकिन धन्य है हनुमान जी ऐसी कथा की प्यास कि सब कुछ जानते हुए हनुमान चालीसा लिखे गो सुनी राम चरित सुनी रसी राम चरित सुनी रसिया सोता है राम चरित सुनी रसी राम चरित सुनी परिणाम क्या हुआ है राम लखन सीता राम लखन सीता हनुमान जी के मन में बसते हैं और राम सीता लक्ष्मण जी के मन में हनुमान जी बसते हैं। ये रसिया है रसिया श्रोता है केवल कथा उनकी समुद्र ये नहीं देखता कि नदी किधर से आ रही है और कैसी आ रही है बस आना चाहिए आती क्योंकि समुद्र भरता नहीं हो तो भरा हुआ है पूर्ण उसे चाह नहीं है। ऐसे हनुमान जी समुद्र की तरह है और राम कथा की सरिता जिधर से भी आ रही है तीनों ने अपने कान को समुद्र बनाया जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सभी नाना अब भर ही निरंतर हो ही न पूरे तो इनके ही तुमके आगे रौद कह दिया वाल्मीकि जी ने। इसलिए हृदय तो मंदिर भगवान भी राजते हैं ये प्यास कथा की रसिक सोता है भगवान अंजना आनंद और धनुष हनुमान जी और यही साक्षात रुद्र भी है उन्हीं की आरंभ होता है। तो कैलाश के उच्चतम शिखरों का परित्याग करके नंगे पांव जब चलने लगे तो भगवती जगदम्बा ने कहा मैं भी चलूंगा। गोस्वामी जी सुंदर विशेषण दिया संग सती सती कौन है पति की इच्छा के अनुकूल बिना बताए ताड़ कर जान कर उसमें सम्मिलित हो जाना उनके मनोनुकूल कार्य करना ये पतिव्रता लक्ष्मी का लक्षण है। इसलिए भगवती सती चूँकि कथा सुनने मेरे पति जा रहे हैं तो गोस्वामी जी बहुत आदर देते हैं बोले माँ आप जगत जननी हो आप क्या कथा सुनोगे लेकिन नन्हे बच्चे की तोतली भाषा में व्याकरण नहीं होता साहित्य नहीं होता तो मम्मी नहीं बोल सकता पापा भी नहीं बोल सकता कुछ कुछ भी बोलता है लेकिन माँ जानती है कि मुझे बोल रहा है मुझे पुकार रहा है भले उच्चारण सही ना हो लेकिन उस तोतली भाषा में ही माता पिता रीझ जाते हैं। ऐसी आप जगत जननी हैं आपका बच्चा कुंभज आपको क्या कथा सुनाएगा
धन्य है। लेकिन आप अपने बच्चे की तोतली भाषा में रीझने जा रहे हैं, ये कथा की प्यास। इसलिए सती जगत जननी अब भवानी भव की पत्नी है, तीन तीन आदर दिए, विशेषण दिया उन्होंने। अब जैसे महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे, अब भगवान शिव ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, ऋषि परवर हम आज श्रोता बनकर आए, कथा सुने तो आंखों में आंसू छलक आए। भगवान आज गागर के पास सागर आया है, इसलिए कुंभज शब्द है, कुंभ माने घड़ा, ज माने जन्म लेने वाला। अब सागर कुंभ में कैसे समाये, गागर में सागर। तो सचमुच राम कथा वही कह सकता है जिसने संसार समुद्र के सारे विषयों को पी लिया है, और मार्श सगज ने तीन घुट में समुद्र को पी लिया है। भले ही समुद्र असीम है, सीमा नहीं है जल की, लेकिन प्यास बुझाने के लिए तो सीमा भी बांधो या अंजलि में, तभी प्यास असीम है, ऐसा कहते कहते रह जाओगे। बहुत बड़ा तालाब है, असीम जल राशि है, बहुत बड़ी नदी है, महानदी है, ऐसा कहोगे आप। अब देखते रहोगे तो प्यास तो नहीं मिटेगी ना, उस असीम जल राशि को अंजलि की सीमा में बांध करके पीना पड़ता है, तब प्यास मिटती। अब राम कथा सुनाने के लिए महर्षि अगस्त ने विधिवत भगवान शिव की और माँ सती की पूजा की। अब देखिए यहाँ पर माँ लीला करके बताती हैं, ये पूजा का असर जो अपने आप को अहंकारी है, बुद्धिमान समझता है, उस पर क्या असर होता है। पूजा एक है, और शिव जी जो विवेकी है, तीसरे नेत्र वाले हैं, उस पर क्या असर होता है। यहाँ से बड़ा मार्मिक विश्लेषण किया है, इसमें कुछ समझ नहीं। पूजा जब की जाने लगी तो सती जी ने बताया लीला करके, ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो हमसे छोटे हैं, हम बड़े हैं तब तो हमारी पूजा कर रहे हैं। ध्यान देना, पूजा का मतलब सम्मान देना, हाथ जोड़ना सम्मान देना, चरण में माथा झुकाना सम्मान देना, प्रणाम करने वाला और जिसको प्रणाम किया जाता है, निस्संदेह जिसको प्रणाम किया जाता है वो बड़ा है, इसमें दो मत नहीं, लेकिन प्रणाम करने वाला कदापि छोटा नहीं है। कैसे नहीं है मैं समझाऊंगा आपको। प्रणाम करके, पूजा करके, हाथ जोड़ करके, नमन करके आपको बड़प्पनता प्रदान कर रहा है, आदर दे रहा है, तो आदर वही देगा जिसके पास आदर का भंडार भरा हो। क्यों भाई? सम्मान वही देगा जिसके पास सम्मान हो। तो जो शीलवान है, जो संस्कारवान है, अरे जिसके पास धन है वही तो धन देगा भैया। तो इसके पास धन भरा हुआ है, कौन सा धन है? तो शील का धन है, संस्कार का है, विनम्रता का है। और जिसके पास होगा ही नहीं वो क्या देगा? वो तो अहंकार के मारे गर्दन उसकी अकड़ी रहेगी, झुकेंगे नहीं। इसलिए प्रणाम करने वाला कदापि छोटा नहीं होता, कभी छोटा मत समझिए। मैं तो ये मानता हूं कि आपने मुझसे, क्योंकि आपने मुझे ऊपर बना बिठाया है, बड़ा बना के बिठाया है, ये परंपरा इसलिए व्यास मंच बनाया गया है, अन्यथा जमीनी पे बैठने वाला कदापि छोटा नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, माना जी कह, श्रोता का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए श्रोता को प्रथम श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम एक गुण, वक्ता श्रोता नहीं लिखा जो समझ, पहले किसे लिखा है? श्रोता को लिखा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। तो पूजा का ये प्रभाव पड़ेगा कि हम बड़े हैं तुम्हारी पूजा हो रही है, जब हमसे छोटे हैं ये छोटे हमको क्या कथा सुनाने गए। अब बस बैठे तो लेकिन कथा नहीं सुन, स्पष्ट लिखा है को समझ में, जो अहंकारी होता है कथा नहीं सुन सकता। अहंकार की धरती पर बैठकर कथा नहीं सुनी जाती। राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख। बताई
भगवान शिव ने अधिकारी जानकर उसी समय पूछा, अभी भगवान कहाँ है, मेरे प्रभु कहाँ है? बोले, मेरे सरकार का अवतार तो हो चुका है, मैं गया तो दर्शन करने अयोध्या, कहाँ है अभी? बोले, दंडकारण्य में है, यही सीता जी का अपहरण कर लिया है रावण ने, और सीता जी को ही खोज रहे हैं दोनों भाई। इतना सुनना था कि शंकर मुरा अति क्षोभ, सती न जानहि मर्म सोई। क्यों? अति व्याकुलता, अति उत्कंठा, किसके लिए? तुलसी दर्शन लोभ, भगवान के दर्शन का लोभ अति की सीमा में जब पहुंच गया तो मन डर लो चन लाए। तो बस धनु ही चलाते हुए किसी ने मेरे राम देखे, धनु ही चलाते हुए मेरे राम देखे, चढ़ाते किसी ने मेरा देखे, चढ़ाते हुए दक्षिण दिशा की तरफ, और भगवान शिव जा रहे थे उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि हिमालय से आ रहे हैं कैलाश से, तो दोनों विरुद्ध दिशा है ना, भेंट कैसे होगी? लेकिन जब व्याकुलता बढ़ी दर्शन की तो भगवान ने दिशा बदल दी, पहले आ गए केवल और केवल शिव जी को दर्शन लेने के लिए। कैसी जब व्याकुलता जाती माताओं, बिंदु जी ने कहा है, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, तो
प्रेम का नशा जब सचमुच चढ़ेगा तो परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, फिर क्यों ना अधमता पर हमको गुरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा वसूल अहंता ममता मैं और मेरा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलाशक बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा। दर्शन की प्यास इतनी बढ़ गई भगवान सामने आ गए उनके, कैसे देखा भरी लोचना छवि सिंधु निहारी कुछ समय जानी न किन्न चिन्हा जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मन अस कही चले अस कही चले मनोजन जहां से देखा दूर से वहीं से हे सच्चिदानंद जगत को पवित्र करने वाले प्रभु आपकी जय हो आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए दंडवत प्रणाम किया, गिर पड़े लकड़ी की बना। इस क्रिया से यहीं पर सती जी को शंका हुई, सामने नहीं गए तो बच्चों को देख नहीं ना बहुत शोक है। भगवान शिव सामने नहीं गए क्योंकि भगवान अभिनय की लीला में है अभी, और मैं जाऊंगा उनके रंग मंच पर तो व्यवधान होगा अभिनय में। लोग ये जानेंगे कि शिव जी जिसको दंडवत करके प्रणाम करें वो साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता। तो भगवान को जब भगवान के रूप में लोग जान लेंगे तो लीला करने भगवान को कठिनता होगी, इसलिए भगवान सामने नहीं आए दूर से प्रणाम की प्रणाम मुस्कर आए। दुनिया जान लेगी इसका भय है प्रभु आपको। अरे आप अपने पहली पत्नी को जनाने के मैं भगवान हूँ फिर दुनिया की चिंता कीजिएगा आप। और सच्चिदानंद शब्द जैसे ही कहा तो मैंने कल बताया था सत्य चित्त और आनंद इस बात को ध्यान से समझना माता। सत्य चित और आनंद, सत्य क्या है आपके भीतर, परमात्मा आपके भीतर है प्राण के रूप में मैंने कल बताया था। सत्य उसे कहते हैं जिसके ऊपर काल का समय का परिस्थिति का और स्थान का प्रभाव ना पड़े, वो जो का त्यों रहे कभी ना बदले उसे कहते हैं सत्य। तो ऐसा सत्य है आपके पास, बोले हाँ है। कौन है तो प्राण है। सच्चिदानंद का सत्य आपके पास प्राण के रूप में और चित्त भी आपके पास है। चित्त माने ज्ञान, ज्ञान स्वयं भू है प्रकट होता है। और ये तो आपका तथा कथित किताब रख के जानकारी है, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान वो है जो भगवान से जोड़ दे हमें, उसे ज्ञान कहते हैं। तब वो ज्ञान योग बनता है, योग माने जोड़ना।
जैसे बछड़ा पैदा होता है गौ माता का, तो गौ माता बताती नहीं है मेरा थन है आप ही ले। वो बछड़े को ज्ञान है, ढूंढता है नहीं ढूंढता है थन को। हमारी सलाह भी करती है पी ले, लेकर खोज कर पीना शुरू कर, कहां से आया ज्ञान ये। तो ज्ञान भगवान के चित्त तत्व से आपको मिला है, वो स्वयंभू है। और आनंद, आनंद माने प्रेम, ये आपको जन्मजात भगवान से मिला है। इसलिए जन्म छोटा सा बालक अभी का पैदा हुआ या शिशु अवस्था का बालक बहुत प्यारा लगता है, और बहुत क्या किसी का भी बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि अपने मूल स्वरूप में वो आनंद में है, अभी दुनिया उसमें नहीं गई। तो तीन चीजें आपकी नहीं है, याद रखना, शक्ति आपकी नहीं है, प्राण से शक्ति मिलती है, ज्ञान आपका नहीं है, प्रेम आपका नहीं है, ये तीनों परमात्मा से मिले हैं। सरल करके समझाओ, जैसे हम कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं महाराज तब धान पाते हैं, अच्छा बहुत ठीक है, ये मुझे बता दो आप धान का बीज डालते हो तो उसमें अंकुरण अभी आप करते हो, खींच खींच के बड़ा आप करते हो, उसे बाली आप लाते हैं, उसमें बाली में जो दूध भरता है आप करते हो, वो दूध पकता है आप करते हो, तो कैसे दावा करते हो भैया मैंने किया। एक तरफ स्वीकार भी करते हो तो उसको अंकुरण जो हुआ मैंने नहीं किया है, पौधा जो बढ़ा मैंने नहीं बढ़ाया है, उसमें जो बाली आई वो भी मैंने नहीं किया है, दूध भरा वो भी मैंने नहीं किया है, पका वो भी मैंने नहीं किया है, उसमें पृथ्वी का सूर्य का आकाश का बिल्ली का कुत्तों का कीड़े को खाने वाले जितने जीव है जिन्होंने रक्षा की सबका अधिकार है। तो चींटी को अगर शक्कर दे तो कितना विशाल सनातन धर्म, तो चींटी पर कृपा नहीं करते। कुत्ते को भोजन दे तो कुत्ते पर कृपा नहीं करते, बिल्ली को भोजन दे तो कृपा नहीं करते, बल्कि नहीं देते तो कुत्ते बिल्ली का भी हिस्सा आप खा देते हो। यहां समझना मेरी बात, अपन बाली को गूंथ करके पक्षियों के लिए रखते हैं क्योंकि तुमने सहायता की है, धान में लगने वाले कीड़े को तुमने खाया है, गौ माता के लिए हम पानी रखते हैं, विशाल सनातन धर्म, जितनी इसकी गहरी सोच है किसी की नहीं। ये तो सनातन तन से जो सना हुआ धर्म है वो हमारा धर्म है सीधा। तो याद रखना, प्रेम बांटो ना आप, भगवान से मिला है जितना बांट सकते हो बांट, महान बन जाओगे आप, इतना छोटा दिल हो गया प्रेम नहीं दे सकते हम, क्या पैसा लगता है उसमें, आनंद दो ना लोगों को क्या पैसा लगेगा उसमें। हमारे यहाँ एक शब्द है मान दाने का, दमान मतलब हाचा मान लगा करते हैं, मान दान क्या मतलब हुआ, मान का दान करना चाहिए इनको, मान तो दो सम्मान तो दो। कैसा सोचा हमारे पूर्वजों ने, सोचो मैं एक एक बात को सोचता हूं माताओं, इसमें तो पैसे नहीं लगते, खर्च नहीं होते आपके, तो आज आनंद बांटने में प्रेम बांटने में अभी हम कृपण हो गए। सम्मान पाना चाहते हैं हम, लेकिन सम्मान नहीं देना चाहते, जबकि तीनों चीज हमारी नहीं है, हमारे बाप से मिली है, भगवान से मिली है। प्राण छोड़ दे तो कुछ कर पाओगे, कोई खेती करोगे तब तो लोग मरघट मिल जाएंगे गाड़ियां जलाने को, तो कैसे दावा करते हो मैंने किया है। अरे तुम में करने की जो शक्ति है वो प्राण तत्व के द्वारा है, वो तुम्हारा नहीं है। चलो, उनकी करुणा में, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में पात्रता में हमारी कमी है, पात्रता में हमारी कमी, उनकी करुणा में कोई कमी है में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी। रवि के उगने में, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में
कोई कमी है, मित्रता में हमारी कमी है, हमारी उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी है, पात्रता में हमारी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी, हम बेटे हम बच्चे नहीं बन पाए, पुत्रता में हमारी कमी है, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी आनंद कैसे हो सकते हैं? लेकिन मेरे पति ने प्रणाम किया है, शंकर जगत बंदे हैं तो गलत नहीं कर सकते, शंभु गिरा पुनि निशान होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, बस इसी द्वंद में मार रहे हैं। यद्यपि प्रकट तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन भगवान अंतर्यामी शिव ने सब जान लिया और कहा, सती ये संशय बहुत बड़ा रोग है, श्रद्धा को पैदा नहीं होने देता है, और जब तक श्रद्धा पैदा नहीं होगी तब तक फिर अटूट विश्वास नहीं होगा, और जब तक अटूट विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति का प्राकट्य नहीं होता, और जब तक भक्ति का प्रकटीकरण नहीं होता तब तक भगवत दर्शन नहीं होता। इसलिए संशय इस रोग को रखना
उचित नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाओ मत। बहुत समझाया भगवान ने। जासु कथा कुंभ जोरी सिगारे, जासु कथा कुंभ जोरी सिगारे, भगती जासु में ऋषि वहां सुन रहे थे महर्षि अस्तिक आश्रम, तो कथा सुनी नहीं थी ना ये, और सीधे दर्शन हो गया, फिर शंका हो गया। कथा से तो, कथा श्रवण से संशय की निवृत्ति होती है, तो कथा श्रवण किया नहीं माने, और सीधे सीधे दर्शन हो गया बस। अब देखिए यहां से प्रसंग थोड़ा गंभीर हो गया। माता लागन उर उपदेश जल पिगहे शिव बार बहो, बोले बिहसी महेश। बड़ी मार्मिक बात, बार 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 सती जी को समझाते हैं और सती जी उनकी बातों को काटती जाती है। भगवान से खूब हंसे। अब मुझे आप बताइए, आपकी बात को आपकी पत्नी काटे तो आपको हंसी आएगी गुस्सा आएगा? ये तो प्रैक्टिकल बात है, गुस्सा है ना, खींच जाएंगे आप। आइए बनी बार बार, यहां बार बार शब्द है। लागन उर उपदेश जदपि कहेउ शिव बार बहु, बहुत बार समझाया, हर बार काटा, तो बोले बिहसी महेश। धन्य भगवत, कैसे हैं शिव? खूब हंसे। अब क्यों हंसे? तो भावी को जानने वाले हैं। हरि माया बल जान, यहां से प्रसंग गंभीर हो रहा है। अहंकार की धरती को गला करके श्रद्धा की भूमि सद्गुरु कैसे बनाते हैं? मैंने कल कहा था श्री रामचरित मानस में गुरु वंदना पहले है, ये मानस को ठीक करते हैं, उसके बाद चरित्र को निष्ठा, चरित्र को निष्ठ बनाते हैं, शुद्ध उज्ज्वल बनाते हैं, इसके लिए साधु चरित्र सुचरित के पास हो, उसके बाद वही गुरु गुरुता क्या कर सहजता सरलता में बनकर साधुता में प्रवेश करते हैं, फिर वही गुरु संतत्व में प्रवेश करके अभिमान को लेकर के भगवान दे देते हैं। ये नियम है संत के रूप में। इसलिए सदगुरु ही मानस को ठीक करते हैं। तो अहंकार की धरती, ये लीला याद रखिए, मैंने पहले बताया, अहंकार की धरती कब श्रद्धा की भूमि बनती है? तब राम कथा प्रवाहित होती है। इस विषय को इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये फाउंडेशन है रामचरितमानस, क्योंकि राम के बारे में पूछा ना प्रश्न, प्रभु ये वही दशरथ राम है जिनको भगवान शिव जपते हैं, कोई दूसरे हैं? क्या पूछा था? रामचरित पूछा था ना, तो शिवचरित का है कहना शुरू कर दिया। मैंने पूछी है राम कथा, और याग बोलती जी कहते हैं शिव कथा, तो बोलिए जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर देना चाहिए ना। ये मर्म खोला उन्होंने, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त
समस्त विकारों से तुम रहित हो, अब राम कथा सुनने के अधिकारी हो। जो शिव पार्वती शिव जब तक नहीं आएंगे, श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, तुम राम कथा क्या सुनोगे। इसलिए शिव चरित्र ये फाउंडेशन है, भगवान राम चरित्र के महल का ये बुनियाद है। भगवान शिव ने कहा ऐसा करो, तुम्हारी शंका समाप्त हो जाए इसलिए तुम जाकर परीक्षा ले लो, और तुम परीक्षा लोगी तब तक मैं यहाँ पर तब लगी बैठ यहो बट छाही, जब लगी तुम आई हो मुही पाही। तुम परीक्षा लेकर आओगी, मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो सती जी ने कहा आप भी चलिए ना, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, साथ साथ विवाह हुआ है, आधा अंग मेरा है आधा अंग आपका है, तो आपको साथ देना चाहिए। मेरे बहुत विचित्र बात करती हैं भगवती, ये ठीक है कि आप मेरी धर्म पत्नी हैं और मैं आपका पति हूँ, सब काम साथ साथ करना चाहिए, धर्म का कार्य साथ साथ करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, बोले क्या पत्नी बीमार पड़ जाए तो पत्नी बोलेगी तुम भी दवाई खाओ ना, क्योंकि हम दोनों तो पति पत्नी साथ साथ हैं। तो मैं रोगी हो गई हूँ, मैं दवाई खा रही हूँ, तुम भी दवाई खाओ, ये प्रश्न करना उसका उचित है क्या। सती जी चुप हो गए, तुम जाओ। अब भगवान शिव समझ गए क्या कल्याण नहीं है, भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। मोरे कहे न संशय परीत भलाईना, ओ यही सोई जो राम रची रखा, राम रची रखा, ओ करी तर्क बढ़ावे भगवान शिव। देखिए भावी को मिटाने वाले हैं भगवान शिव, और आज भावी को मिटाने वाले शिव ही तटस्थ हुए। भावी मेट सकहिं त्रिपुरा ही, भावी को मिटाने की शक्ति केवल और केवल भगवान शिव में है। और आज भगवान शिव तटस्थ हो गए, वो ही है सोई जो राम रची रख। क्या मतलब हुआ, भावी दो प्रकार की है, ध्यान से समझिए। प्रारब्ध जन्य भावी, हमारे कर्मों के परिणाम के रूप में जो हमें भोगना है पहले से, प्रारब्ध के कारण फल भोग के रूप में जो रचित है वो भावी है, वह है प्रारब्ध जन्य भावी। और दूसरा है भगवान श्री राम के द्वारा रची हुई भावी, ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो राम जी के द्वारा रचित जो भावी है वो मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए शिव जी ने कहा हो यही सो जो राम रची रखा, प्रारब्ध जन्य भावी को मैं मिटा सकूंगा, लेकिन श्री राम ने रचना की है उसको नहीं, इसलिए तटस्थ हो गए। अब ये बड़ी मार्मिक एक विचारधारा आती है, थोड़ा विचार कीजिए इसे, ये आगे चलकर और स्पष्ट होगा। भगवान शिव का एक ही उपाय है किसी भी परिस्थिति में, भगवान नाम जप। कल मैंने बताया था हर व्यक्ति के जीवन में दो चीजें होती हैं, स्थिति और परिस्थिति। भगवान शिव की परिस्थिति है कि एक दूसरे के जाने दुश्मन उनके परिवार में है, ये परिस्थिति है, क्योंकि परिस्थिति बाहर होती है और स्थिति भीतर होती है, इसलिए उसको मनस्थिति कहते हैं। मनस्थिति अगर मजबूत होती है तो परिस्थिति पर आदमी नियंत्रण कर सकता है, लेकिन हम मनस्थिति को मजबूत नहीं करते और परिस्थिति से जूझते हैं इसलिए असफल होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। बड़ा मार्मिक सूत्र ध्यान रखिएगा इस बात को। और मनस्थिति मजबूत होती है भगवान के नाम जब से,
लीला संकीर्तन से, गुण सुनने से, कथा श्रवण से। इसलिए भगवान शिव समझ के भगवान श्री राम को चरण छुआ रखे हैं, मेरे कहना कहने से सती का संशय नहीं गया। त्रिभुवन गुरु शिव जी के समझाने पर, बार बार समझाने पर अगर इनकी समझ में बात नहीं आ रही है, बार बार काटती जा रही हैं, तो लगता है सती को माध्यम बनाकर भगवान कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मेरा उपदेश काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं? अस कही लगे जपन हरि नाम, अस कही लगे जपन हरि नाम, अस कही लगे गई सती जहाँ प्रभु सुख दान, सती जी को दर्शन देने के लिए पुनः भगवान पीछे लौटे। इतनी देर तक बहुत आगे निकल गए होते ना, लेकिन जिस स्थान पर प्रणाम करता वहीं अटके रहे भगवान। अब सती जी ने विचार किया, ईश्वर को सच्चिदानंद ये नाम भगवान के ईश्वर पर रखे, बाकी दीन दयालु भक्त वत्सल करुणा निधान ये जो नाम है भगवान के स्वभाव पर रखे, गुण पर रखे। तो सच्चिदानंद ईश्वर पर एक है, ईश्वर के दो लक्षण हैं, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। सर्वव्यापक होता है ईश्वर, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वव्यापक जो है उसको वियोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पत्नी जहां है वहां भी तो भगवान है, सर्वव्यापक है तो वियोग कैसे होगा, ये संकट है। और सर्वज्ञ है तो वो जान लेगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, वो पूछेगा कि वो वृक्षों से लताओं से, ये शंका हुई। और ये शिव कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद परमात्मा है, तो इनमें इतना तो सर्वज्ञता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ना ही सर्वव्यापकता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं सच्चिदानंद, ये शंका हुई। तो दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, माने सर्वज्ञता की और सर्वव्यापकता की। सर्वज्ञता की परीक्षा के लिए सीता का रूप बनाया, सर्वज्ञ होंगे तो मुझे जान लेंगे कि मैं सीता नहीं सती हूं, तो समझ जाऊंगे कि सर्वज्ञ हैं। और सर्वव्यापक होंगे तो अपनी पत्नी समेत मुझे बताएंगे कि मेरा वियोग हो ही नहीं सकता, जहां मेरी पत्नी वहां मैं हूं, तो सिद्ध हो जाएगा सर्वव्यापक है। दो की परीक्षा लेनी चाहिए ईश्वर की जो लक्षण है उसकी। इसलिए उन्होंने पुनि पुनि हृदय विचार करो धारी सीता करो, आगे होई चली पंथ तेरे यही आवत नर। यही गलती कर बैठी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जिस मार्ग से चल रहे थे, सीता का रूप बनाकर माँ सती उनके आगे आगे चलने लगी, तो लक्ष्मण जी ने देखकर हंस पड़े। राम जी भी लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, चकित हुए, भ्रम भी हुआ कि मेरी माँ वैदेही श्री राम के आगे चले, संभव ही नहीं। माँ वैदेही तो सदैव मेरे प्रभु के चरणों का अनुगमन करती है, पीछे चलती है, अब ये आगे चल रहे हैं तो अब सीता जैसे दिख रही है, तो भ्रमित हो गए लक्ष्मण। लेकिन धन्य है मेरे राजेंद्र, यहाँ क्रिया देखिए, देखो नहीं लिखा जो समझ में, भगवान कभी भी परनारी को देखते ही नहीं। इसलिए क्रिया क्या लिखी, सती कपट सती कपट जाने, सर्वज्ञता की परीक्षा पहले हो रही है। बिना देखे भगवान श्री राम ने सीता के वेश में जान लिया कि ये सती हैं। सती कपट, ये कपट करके सीता का वेश बनाया है, जाने
सोर स्वामी समदर्शी सब अंतर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, कि झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। तो सारे झगड़ों का जड़ क्या है? प्रणाम करना। अगर आप ये मानती हैं कि जिसको प्रणाम किया जाता है वो बड़ा है और जो प्रणाम करता है छोटा है, तो लीजिए मैं प्रणाम करके आपको सबसे बड़ा बना देता हूँ और मैं छोटा बन जाता हूँ। कैसा व्यंग है भगवान की क्रिया में, लीला में। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज भैया। मैं दशरथ नंदन राम आपको मैं प्रणाम करता हूं, इतना कहना था महाराज कि राम वचन मृदु गूढ़ सुन। दो विशेषण, मृदु और गूढ़। उपजायति संको सती सभीत महेश पही चली दे बरसो। अब एक की परीक्षा तो हो गई सर्वज्ञता की। भगवान ने कहा मां परीक्षा लेने आई हैं, मैं विद्यार्थी रहा, आप आचार्य नहीं, इसलिए इस नियम से ही मैंने प्रणाम किया। तो एक तो परीक्षा हो गई सर्वज्ञता की, अब दूसरी परीक्षा मैं दे देता हूँ, वह है सर्वव्यापकता की। और सर्वव्यापकता की परीक्षा क्या दी? सहित बंधु सिय सुंदर जहां चित वही तो प्रभु से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा। अब माता ने आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे सभी जगह देखा तो राम सीता लक्ष्मण साथ में, इनका वियोग हो ही नहीं सकता। वाणी से अर्थ का वियोग कैसे होगा? जल से लहर का वियोग कैसे होगा? अरे जल ही तो लहर है, लहर ही जल है, तो दोनों का वियोग कैसे? वैसे सीताराम तो गिराया रथ जल बीच सम कही अत भिन्न न भिन्नु बन्नो सीताराम पर जिनई परम प्रिय खिन। अब सर्वज्ञता की परीक्षा हुई, डर नहीं। अब मेरे प्रभु जो बोल रहे थे शत प्रतिशत सही था, उसी पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी। गई समीप महेश तब बोले भी हंसी महेश तब हंसी पूछी कुशला लिन्न परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सदा कीन प्रणाम तुम्हारे कछु न पड़े। मैंने कोई परीक्षा नहीं पढ़ी। सती जो किन्न चरित सब भगवान शिव ने ध्यान लगाया तो सती जी ने क्या सब जान लिया।
लेकिन आप थोड़ा से विचार कीजिए, आप भी माता हो, आप सभी विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्र के। सती जो किन्न चरित सब जाना, सती चरित हम कह सकते हैं क्या? चरित तो भगवान श्री राम का होता है, चरितम रघुनाथ से अशतकोटि परविस्तरम, हनुमान जी का चरित्र, लक्ष्मण जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र है, क्योंकि इनमें कोई कोई कलंक नहीं है, शुद्ध है, उज्ज्वल है, धवल है ये चरित्र। लेकिन जिस चरित्र में कपट हो, छल हो, झूठ हो, सती जी के चरित्र में दिख रहा है। राम कथा का निरादर कर दिया पहले, सत्संग का अपमान किया, सुनी नहीं, भगवान दिखे तो प्रणाम नहीं किया, भगवान शिव ने समझाया तो काटते चले गए, उसके बाद कपट करके भगवान की परीक्षा ली सीता बनकर, और उसके बाद फिर झूठ बोल गए, कोई परीक्षा नहीं ली। तो जिसमें कपट है, छल है, झूठ है, उसके चरित्र कहेंगे कैसे लिखा तेरे को समझ में? इसलिए गुरु जी ने गुरुदेव भगवान कहते हैं बहुत गंभीर गोपाल जी राम कथा, बहुत गंभीर है, लिखा है कुछ समझ में। सती जो किन्न चरित सब जाना, सती सती जी ने जो चरित किया समझा लिया तो गले नहीं उतरती बात, ऐसे लिख दिया गुरु जी। क्या सती जी के चरित्र को रामचरित के लेवल में समानांतर रख सकते हैं? हनुमान चरित्र के समानांतर रख सकते हैं? वो उज्ज्वल है, धवल है, इसमें कपट है, छल है, झूठ है। तब फिर मैंने कहा गुरुदेव आखिर फिर क्या बात है, कैसे है? हाँ, बोले सती जो किन्न, यहाँ कामा लगाई, सती जी ने जो किया उसको समाधि में ध्यान में देखा भगवान शिव ने, और चरित्र जुड़ा है भगवान राम के साथ। भगवान श्री राम ने जो चरित्र किया, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर जो प्रणाम किया और कहा कि भगवान शिव का है मैया, आप इस दंडकारण्य वन में अकेली जो संशय और शापित वन है, ये जानते हुए भी कि सीता जी अकेली रह गई थी, चोरी हो गई, और आप भी जानबूझकर उसी का अनुकरण कर रही हैं। एक तो ये दंडित भूमि है, शापित भूमि है, और दूसरा अकेली है और संशय उगा है आपके मन में। तो संशय जब उगाए तो उस समय प्रकाश देने वाली त्रिनेत्र की ज्यादा जरूरत होती है, और जानबूझकर आपने उनका साथ छोड़ दिया तो परिणाम क्या होगा? यही गूढ़ता थी भगवान की बात में, गूढ़ और मृदु। तो चरित्र भगवान श्री राम के साथ है, सती जी ने जो किया वो देखा ध्यान में, और भगवान श्री राघवेंद्र ने सती जी के समक्ष जो चरित्र किया वो देखा, भगवान शिव देख। ध्यान दीजिए यहां स्पष्ट लिखते, यहां प्रसंग बड़ा गंभीर हो गया। बहुरी राम माया ही सिरनावा, सती जे झूठ कहा। भगवान ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, क्योंकि सती जी के पीछे भगवान की माया मुस्कुराते ही खड़ी थी। अब देखिए कितना गंभीर है, मायापति की आज्ञा और इच्छा के बिना माया कभी नहीं काम करती। आप पति के विरुद्ध काम करेंगी,
जो कुलीना भारतीय नारी में उनकी बात कर रहा हूँ, आज के पश्चिमी सभ्यता की जो लाइफ पार्टनर है उसकी बात नहीं, जो धर्म पत्नी है भारतीय संस्कृति में मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, तो कभी भी पति की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करती। तो ये तो सती है, माँ है, और ये माया है, वो मायापति है। तो माया के पति भगवान मायापति हैं, उनकी इच्छा के बिना क्या माया ऐसा काम करेंगी? प्रेम सती यही झूठ कहावा, माने माया की प्रेरणा से बुद्धि भ्रमित हुई और सती जी झूठ बोल डाली। इसका मतलब परीक्षा कराना, झूठ बोलना, वेश परिवर्तन करना, ये सब भगवान की माया की प्रेरणा से ही हुआ। तो सी जी गंभीर हो गए, फिर बेचारी सती का क्या दोष, क्योंकि उनकी माया में तो मैं भी नाच उठा हूं, मौनी रूप देखकर मैं भी नाचा। तो अति प्रचंड प्रचंड नहीं, अति प्रचंड रघुपति की माया, जब मैं नाच उठा हूं तो सती जी भी नाच उठी बेचारी माया से, तो इनका क्या दोष? ओहो, अब देखिए माया की प्रेरणा से सती ने सीता जी का वेश बनाया। अब इन्हें मैं पत्नी भाव में देखूंगा तो भक्ति पक्ष में बहुत बड़ा कलंक लगेगा। भगवान श्री की मनस्थिति का बड़ा मार्मिक चित्रण को समझने किया है दोहे में, परम पुनीत न जाए तजी। सती मां पवित्र नहीं, परम पवित्र है। क्यों? सीता जी का वेश बनाने के पीछे कोई गलत भावना उनके मन में नहीं थी कि मुझे नहीं पहचानेंगे तो जीवन भर के लिए मैं सीता के रूप में इन्हीं को बजाऊंगी, ऐसा थोड़ी था। पवित्र भावना थी, केवल ये जानना था कि ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर होंगे सर्वज्ञ हैं तो मुझे जान लेंगे, मैं सीता नहीं सती हूं, इसलिए वेश बनाया था। तो सीता जी के वेश बनाने के पीछे भावना इनकी परम पवित्र थी। तो परम पुनीत न जानीत जी, और वो भी माया की प्रेरणा से इन्होंने सब किया। तो नचाने वाले तो श्री राम है, मायापति है, ये नाच रही है कठपुतली की तरह, माया नचा रही है मायापति की इच्छा के अनुसार, तो इसमें सती का क्या दोष है? इसलिए सती पवित्र नहीं, परम पवित्र है। लेकिन किए प्रेम बड़े पाप, अगर इनसे मैं प्रिया भाव रखता हूं तो बहुत बड़ा पाप। तो प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संता। बहुत विषाद से अंतर्मन भर गया भगवान शिव का, सती दुख पाएंगे इसलिए प्रकट नहीं किया। अब क्या करूं मैं, बताओ आप? भगवान शिव निर्णय नहीं कर पाए कि परित्याग करता हूं तो अपराध है, नहीं करता हूं तो अपराध है, क्या करूं मैं? तब उन्हें विचार आया कि मायापति की इच्छा है तब तो माया ऐसा कर रही है, तो मैं क्यों ना श्री राम से ही पूछ लूं जो ये सब खेल करा रहे हैं माया के द्वारा, भगवान बता देंगे मुझे क्या करना चाहिए। अब तब तुरंत तब शंकर प्रभु पद सिर करते ही भगवान श्री अरविंद हृदय में प्रकट हो गया। अब प्रकट हो गया तो बातचीत हो गई, प्रभु ये क्या लीला करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या करूं मैं? अब
तो भगवान श्री राम ने मन में कहा होगा समाधि में कि इनका परित्याग कर दो, इसलिए गोस्वामी जी ने तुरंत नीचे लिखा है यही तन सती भेंट मोहिनाही, भेंट मोहिनाही शिव संकल्प निर्णय दे दिया भगवान श्री राम ने परित्याग कर दीजिए। और शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया यही तन सती भेंट मोहिनी। लेकिन याद रखें सती जी का परित्याग भगवान शिव ने नहीं किया। अगर हम ऐसा समझते हैं तो हमारा भ्रम है। सती जी ने प्रिया भाव का त्याग किया, पत्नी भाव है उसका परित्याग किया, क्योंकि सती को मैं जब जब देखूंगा तो मां सीता की याद आएगी। ध्यान दें कितना गंभीर है भगवान शिव का चिंतन, विष बनाया जब जब मैं सती को देखूंगा तो मां वैदेही की याद आएगी, और जिसमें मेरी पूज्या आराध्या भगवती सीता की याद आएगी उस सती में मैं पत्नी भाव आरोपित करूंगा तो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा कलंक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, किसी की पत्नी आज की भाषा में रामलीला में सीता जी का पार्ट बनाए रूप बना के तो क्या जीवन भर के लिए छोड़ देगा उसे? कितना कठिन है भक्ति, ये इतने आचार्य की भूमिका है, गुरु कैसे अंतर्मन को ठीक कर रहे हैं। अब परम गुरु भगवान शिव, अब उनके आराध्य हैं भगवान राम। भगवान श्री राम ने निर्णय दिया, इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है आकाशवाणी, देख लीजिए। जैसे निर्णय लिया भगवान श्री ने, कुछ नहीं बोले, चले कैलाश की तरफ सती जी को लेके। तो चला था गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भनि भगत जना। भगवान श्री को व्यक्त नहीं किए थे कि मैंने ऐसा प्रण कर लिया है, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा तो जानते हैं, क्योंकि मन में बातचीत हुई, हृदय में, समाधि में, ध्यान में। इसलिए भगवान ने प्रमाणीकरण किया कि धन्य हो भगवान महेश, धन्य है आप। असपना तुम बीन करई कुमाना, समाधि में बातचीत हुई उसका प्रमाणीकरण। और दूसरा उद्देश्य सती जी के अंतर मन में ग्लानी और पश्चाताप की अग्नि का उदय करना, जिसमें अहंकार अब जले, अभिमान जले और मन शुद्ध हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, श्रद्धा की भूमि बने। इसलिए तुरंत लिख लिया उन्होंने सुनी न बगीरा सती उर सोचा। अंतर मन में विचार हुआ, अब तब शिव जी से उन्होंने पूछा भगवान क्या प्रण किया? भक्त वत्सल मुझे सच सच बताएं, किन कवन पन कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दया। असत्य बोल गई और शिव जी से सत्य की अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं भले झूठ बोल के लेकिन आप झूठ मत बोले, भगवान सत्य बोले, मुझे बताइए क्या प्रण किया। जदपि सती पूछा बहुभाति तदपि न कहे वो त्रिपुर आराती। सती जी ने हृदय में सोच लिया मेरे प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया है क्योंकि मैंने कपट किया है। ध्यान दें कितनी सुंदर बात है, जल पे सरी सभी का
मित्रता देखिए, पय मन दूध और जल मन पन, अर्थात धंधा हो गया है। दूध और पानी मिलते हैं माने दूध जल पर उपकार करता है, पहला अपना रूप दे देता है वो भी श्वेत हो जाता है जल, दूसरा अपना दर्जा देता है, अपना सम्मान देता है, इसलिए वो जल भी दूध के रेट में बिक्री होता है। दो उपकार हुए, रूप दिया और सम्मान दिया, अपना बराबरी का दर्जा दिया, यही दोस्ती होती है, मित्रता होती है। लेकिन जब संकट की घड़ी आती है माने मरने की कैसे, जब आप आग पे चढ़ाते हो, खौलाना है, तपना है, जल है, संकट है, तो याद रखिएगा जल कहता है कि मित्र तुमने मेरे ऊपर एहसान उपकार किए हैं, अपना सम्मान दिया है, अपना रूप रंग दिया है, लेकिन जब मरने का होगा तो पहले मैं मरूंगा, तुम नहीं। इसलिए पानी ही पहले जलेगा, दूध नहीं। पानी ही जलता है तब खौलाते खौलाते देखेंगे आप, तो पानी जल जाएगा तो फिर दूध गाढ़ा हो जाता है, सूख जाता है। अब उसके बाद वो मित्र सोचता है कि दूध सोचता है कि इस आग ने मेरे मित्र को छीन लिया, मैं भी जाऊंगा मेरे मित्र के पास, मैं भी जाके अपने आप को समाप्त कर लूंगा, तुमने मेरे मित्र को जलाया है, मैं भी तुम्हारे पास आता हूं। और जैसे आग के पास जाने के लिए उफान आता है दूध में, उसी से मैं उसके मित्र से मिला दो, चार बूंद पानी डाल दो तो फिर शांत हो जाता है मित्र को पास। कैसी मित्रता है पानी और दूध की। लेकिन दोनों अलग कब हो गए हैं, जब कपट की खटाई पड़ती है, नींबू निचोड़ दो तो फिर दोनों अलग, फिर कभी नहीं मिलते। कितनी सुंदर उपाय को समझ लिया। मैंने इसलिए कहा माता, कपट सबसे सबसे बड़ी बीमारी है हमारे गृहस्थ जीवन की हो या साधना का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, कपटी की अलग पहचान होती है, भीतर में सबके मन में घृणा बढ़ जाती है उसके, बहुत बड़ी बीमारी है। इसीलिए माँ सती कहती हैं, सती हृदय अनुमान किए शिव जाने वो सर्वज्ञ, किन्न कपट मैं शंभु सन नारी सहज जरय, जल पे सरिस बिकाय देखो प्रीति की रीति, भले मिलग होई रस जाय कपट खटाई पर सतु। कृपा सिंधु भगवान शिव परम करुणा निधान है, इसलिए प्रगट रूप में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, लेकिन शंकर जी का रुख देखा भगवती ने, समझ गए हृदय से मेरा परित्याग, मेरे पति ने मेरे लिए कर दिया। लेकिन निज अर्घ समोझी न कछु कहि जाय, तपई हवाईव उदय अधिकार। बड़ी मार्मिक उपमा दी है सामने में, हवा ईंट का भट्ठा जब लोग बनाते हैं तो शीतल लेप पहले मिट्टी का बाहर से करते हैं रचने में, ताकि आंच बाहर ना निकले, नहीं तो ईंट ठीक से पकेगा नहीं। बाहर से पता नहीं चलता दूर से देखने पर, लेकिन कहीं फटा रहेगा तो ऐसे हृदय तवा हवा की भांति मां सती का जलने लगा अहंकार को जलाने के लिए। अब प्रश्न उठता, देखिए भगवान करुणा निधान है, श्री राम करुणा निधान है, प्रभु ये कैसी करुणा है आपकी, कि जो परम परम वैष्णव है, आपके भक्त हैं भगवान शिव, आपको इष्ट मानते हैं, रात दिन राम 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 जपते रहते हैं, उनकी गृहस्थी को आपने ऐसा क्यों तोड़ा प्रभु, कैसी करुणा निधान है आप, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता क्या, सोचो ना। तो भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया,
ध्यान से समझिए, भगवान श्री राम जानते थे भले ही विवाह के बाद शिव पार्वती पति पत्नी के रूप में नजदीक तो आ गए, समीप तो आ गए, लेकिन विचार में पूर्व पश्चिम की दूरी नहीं, विचार में एक नहीं हो पाए। भले शरीर से समीप है लेकिन निकटता में दूरी है। अभी निकटता में दूरी कैसे समाप्त होगी? जब तक ये पात्र नहीं बदला जाएगा, क्योंकि शरीर में इस पात्र में इनके पिता का रक्त, दक्ष का रक्त बढ़ रहा दौड़ रहा है, और दक्ष है अभिमान अहंकार। जब तक जैसे समझिए कि तांबे का लोटा है, तांबे के लोटे में हमने दही भर दिया, खराब हो जाएगा वो, फिर धोकर के फिर दही भरा, फिर खराब हो। दही खराब ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो लोटा ही बदलना पड़ेगा तांबे का। किसी स्टील के लोटे में आप रखें तो फिर दही खराब नहीं होगा। तो जैसे दही खराब ना हो इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें पात्र बदलना पड़ता है, वैसे ही पूर्ण रूपेण शरीर से विचार से दोनों एक हो जाएं, इतना नजदीक लाने के लिए तो सती के रूप में जो शरीर का पात्र है जो दक्ष के द्वारा मिला है वो मुझे बदलना पड़ेगा। ये कृपा है भगवान की, इसलिए हुई है। सो जो राम रची रखा यही रचना करके भगवान राम ने रखा था, इसलिए सीधी तटस्थ हो गए। देख ली क्रिया कैसे सती जी के हृदय को, नहीं तो आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी? कि सती जी को पश्चाताप भी नहीं होता, जानती नहीं, वो तो स्पष्ट बता दिया, धन्य भगवान आपने संकल्प के ऐसा प्रण कौन निभाएगा। तब सती जी चौंके, क्या प्रण किया उन्होंने? तब जान लिए कि मैंने अपमान किया है, झूठ बोला है, इसलिए मेरे पति ने मेरे प्रत्याग, ऐसा क्यों बताना चाहते थे? शिव जी प्रशंसा के भूखे तो थे नहीं, कोई असर नहीं पड़ता प्रशंसा के अंक ऊपर, वो तो अभिमान को खाते हैं, उसके देवता हैं। अब कोई तीसरा आदमी था नहीं तो आकाशवाणी करके किसको सुनाना चाहते थे? सीधे सीधे सती को सुनाना चाहते थे ताकि पश्चाताप की आग अब लगे इनके मन में, अब वो अहंकार जले। इतनी व्याकुल हो गई माँ, जो सोचने लगे कि हम, भगवान शिव सोचने लगे मैं बैठा रहूंगा तो सती बार 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 पूछती रहेंगी, इसलिए अच्छा है कि मैं समाधि में चलूं, झंझट कर रहा हूं। अब देखिए शिव जी समाधि लगाए, अब कितने तो 87,000 वर्ष, बाप रे, इतनी लंबी अवधि तक पश्चाताप की याद में अवा की भांति हमारी ये माँ जली है। इसलिए प्रार्थना करने लगी भगवान श्री राम से, भगवान मेरे बिन तेरे रूपति, thank you।
दूसरे की पार कैसे भैया हमारी भगवन उदरे की पार कैसे दुखियों की अर्ज सुन के आ जाओ भगवन मझधार में अटके हैं शरीर मेरा छोटे बस इधर समाजी टूटती है भगवान शिव जागते हैं राम राम कहते हैं आवाज सुनती है माँ जाती हैं लेकिन जाने के पहले भगवान शिव मेरे बगल में ना बैठे क्योंकि बगल में अधिकार पत्नी का होता है इसलिए जानबूझकर सामने सम्मान देने के लिए सती जी मेरे बगल में ना बैठ पाए इसके लिए उस आसन को निकाल कर सामने बिछा दिया। ये देखा माँ पीड़ा के मारे भर गई मरमाहत हुई क्योंकि सामने बेटी को बहन को माँ को बिठाया जाता है
वाम अंग में तो केवल पत्नी बैठती है, तो वाम भाग आसन हर दिन ना लिखा है, कुछ समझ नहीं पार्वती जी को। लेकिन यहां सम्मुख शंकर आसन दिन्हा स्पष्ट लिखा है, जाई शंभु पद वंदन कीना, सम्मुख शंकर आसन। तब भी देखे कितनी करुणा है भगवान शिव जी, इनको पीड़ा न हो इसलिए रसीली कथा कहते हैं दुख करने के लिए। उसी समय दक्ष यज्ञ करता है इनको नीचा दिखाने के लिए। भगवान से बहुत मना करते हैं लेकिन माँ मानते नहीं हैं, चली जाती हैं और जा करके दामाद से उठे हुए हैं, दामाद के रूप में नहीं लेकिन एक देव महादेव के रूप में तो यज्ञ का भाग होता है। तो उनकी उम्मीद थी सारे देवताओं को भाग आसन दिया जाता है तो भले ससुर दमान के बीच में मन मुटाव हो लेकिन ये तो महादेव हैं, यज्ञ के देवता हैं, यज्ञ के फल प्रदाता हैं, उस रूप में जरूर इनको आसन दिया हो गया होगा। लेकिन माँ को बहुत बहुत पीड़ा हो रही, मुंह फेर लिया दक्ष ने, देखा तो माँ केवल मिली, माँ तो माँ होती है, बहने कटाक्ष करती है मिली खटका यज्ञ स्थल पर गई, देखा शिव जी का कहीं कोई आसन नहीं, तब माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति के मौन में सम्मान था, मुझे बताया नहीं कि मैंने आपका परित्याग कर दिया है, तो आकाशवाणी हुई उन्हें परित्याग नहीं बताया, प्रण को बताया, तुम अभी ने असपन करे को आना, क्या प्रण किया इसको नहीं बताया। तो मेरे पति के मौन में भी सम्मान था, ममता थी, मेरे प्रति कल्याण की भावना थी, और मेरे पिता है, मेरे पिता की ममता में भी घृणा है, अभिमान है, इसलिए आज मरमाहत हुई। आज शिवत्व को समझ पाई मैं, बहुत रोई, इस माँ ने बहुत कष्ट सहा है अपनी संतान को बताने के लिए। तब क्या किया भगवान से तो प्रार्थना की, मानो भगवान श्री राम ने कहा माँ पिता रूठे हैं तो पुत्र तो है रूठा नहीं है, मैं अग्नि दूंगा उनको, अग्नि से प्रकट हुए भगवान राम। इसलिए 87,000 वर्षों तक जिस पश्चाताप की आग में माँ जल रही थी उसी आग को प्रकट किए माने, लेकिन मरने के पहले सती मरत हरि सन वरमा जन्म जन्म शिव पदयन। मरते समय माँ सती ने यह वरदान मांगा, हे राघवेंद्र मुझे कहीं भी आप जन्म दे दो गुरु शिकायत में, किसी भी योनि में दे दो ये भी शिकायत में, बस प्रभु मेरे शिव के चरणों में अनुराग मेरा बना रहे, बस इतनी कृपा कर। मरा योनि में जाने को तैयार हूँ लेकिन मेरे शिव मेरे केंद्र में रहे उनके चरणों में अनुराग हूँ। इसलिए गोस्वामी जी ने अंते मति सागति, याद रखना मरते समय जैसी आपकी मति बनेगी वैसे ही गति बनेगी, बड़ी मार्मिक बात है। परिस्थिति का महत्व नहीं होता उस समय, मनस्थिति का महत्व होता है मरते समय। परिस्थिति तो बढ़िया है, बढ़िया डल्लभ के बेड पे पड़े हैं, चारों तरफ से परिवार वाले हैं, पिताजी राम कहो भी कह रहे हैं, सब निकलेगा वही नहीं निकलेगा बस, तो परिस्थिति तो बहुत बढ़िया है लेकिन मन स्थिति, रात दिन छल कपट प्रपंच दंभ अहंकार करके जीवन जिए तो कैसे भगवान का नाम निकलेगा, मति तो बिगड़ेगी मरते समय। 87,000 वर्षों तक पश्चाताप में जली हैं और मन मही राम सुमिरी सयानी लिखा गोस्वामी, सयानी माँ ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया, परिणाम हुआ कि मरते समय भगवान राम का चिंतन हुआ। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाए जनमी पार्वती तन पर, ते ही कारण
देखिए स्पष्ट कारण को बता दीजिए। तो आप चाहो कि मध्य समय मेरी मति बढ़िया हो तो नाम स्मरण बताओ, चिंतन बढ़ाओ भगवान का, सत्संग जितना हो सके करो। खिलौने हम सब टूटने के लिए बने, एक ना एक दिन टूटेंगे। मौत की लाइन में हम सब खड़े हुए, कतार लगा हुए, कब कौन सा खिलौना टूट जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए प्रतिदिन मौत की तैयारी करो। सावधानी बता रहा हूँ मैं, मेरा अपना नियम बता रहा हूँ, आप उसे आत्मश्लाघा मत समझना। मैं सबसे पहले उठकर अपनी मौत को प्रणाम करता हूँ और मानता हूँ आज मेरा आखिरी दिन, आज मैं नहीं रहूँगा, आखिरी बार चलूंगा, तो मैं छूट तो नहीं गया मुझसे, मरने के बाद पछतावा तो नहीं होगा मुझे। वो करूं जो कल पछतावा ना हो मरने के बाद। इसलिए प्रतिदिन मौत की मैं तैयारी करता हूं, मेरा नियम है। तीन बार कम से कम अपनी मौत को याद करो तो मन नहीं बिगड़ेगा, वैराग्य होगा और मौत की तैयारी करोगे। अरे भोपाल जाते हो, नागपुर जाते हो, कोलकाता जाते हो, दिल्ली जाते हो, बॉम्बे जाते हो, तो खूब तैयारी करके जाते हो, क्यों जाते हो? यात्रा में कष्ट मत हो, उस यात्रा की चिंता है, जहां से लौट के आ जाओगे या कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जमराज के दूत आएगा तो कैंसिल करोगे? कोई वकील ऐसा दुनिया पैदा हुआ जो पेशी बढ़ा देगा, जमराज के दूतों को वापस कर देगा कि जाओ लौट जाओ, 15 दिन के बाद आना, तैयारी कर लेने दो, उसकी चिंता नहीं है। इसलिए जागो, मैंने पहले कहा जागरण मंच है, मौत की तैयारी प्रतिदिन करो, हर दिन को अपना अंतिम दिन मानो, देखो वैराग्य का पौधा पनपेगा। घर में रहते हुए तुम कमल जल को, कमल छोड़ता नहीं लेकिन फंसता भी नहीं, बढ़ेगा उसे ऊपर, नियम है। इसलिए आज माँ धन्य मातृश्री कैसी लीला की है, मरते समय मति के अनुसार भगवान शिव याद आए, भगवान राम याद आए, और आज ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई जननी पार्वती तुम पर, उसी के कारण आज पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ जन्म हुआ, हिमांचल के हमको जन्म दिया भगवान ने, इसलिए जन्म दिया कि हिमांचल अपने सिर में भगवान शिव को ही कैलाश में धारण किए हैं। कितनी सुंदर बात, सर्वोच्च शिखर कौन है? कैलाश, हिमांचल का, हिमालय का, कैलाश में कौन है? शिव जी बैठे। तो पार्वती जी को पैदा होते ही बाप का संस्कार मिल जाएगा कि बाप ने सिर में शिव जी को धारण किया है, तो पार्वती को जन्मते ही भगवान शिव के चरणों में अधिक अनुराग और श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाएगी। कैसी करुणा में ये करना चाहते थे भगवान, इसलिए इतनी भूमिका बनाई। जब पार्वती के रूप में आएंगी और बाप के जैसे अडिग पहाड़ के जैसे श्रद्धा बन जाएगी, तब विश्वास के द्वारा भगवान शिव के द्वारा राम कथा की गंगा बहेगी, अन्यथा नहीं, इसलिए भूमिका बनाएगी। अब माँ, बहुत लंबा विषय है, स्वतंत्र विषय है, ये देखिए दो विषय में 7 दिन चाहिए, 9 दिन चाहिए, क्या कहें हम, इसे सूत्र समझिए। मैं हर प्रसंग को गंभीरता से जो मैंने अभी तक समझा है अनुभव किया है। माँ के पैदा होते ही आनंद की लहर छा जाती है, सच्ची श्रद्धा को सद्गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, नारद जी अपने आप आते हैं और हाथ देकर बताते हैं, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल अमीश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असली। क्योंकि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, ये वही हैं जिनको शिव जी ने परित्याग किया था पिछले जन्म में। यही कहा शिव तजी दूसरा नहीं, शिव जी जो तजा है ये वही है, दूसरी नहीं है। क्या सुंदर बात, इसलिए इनके पति तो सदा से शिव में जाके तपस्या करें। दुराराध्य पय है महेश ब्रह्म वाणी हुई, प्रमाण पत्र मिला भगवत माँ पार्वती जी को, लंबा प्रसंग है। अब सीधे सीधे आकाश में कहा काहु न यस तप किन्न भवानी, काहु न यस तप किन्न भवानी। संसार भगवान अपने मुंह से
शंकर जी सुनते रहे सुनते रहे। भगवान राम हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहु शैलजे यह मोहि मांगे। भगवान ये हाथ अलग अलग दिखाई देते हैं भले, लेकिन एक ही अंग के हैं ना, एक ही शरीर के हैं। तो अंग एक है और दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जोड़ के एक हो जाते हैं। ऐसे ही पार्वती और आप भले दो ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ही शरीर के हैं। भगवान तो जैसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वैसे आप भी दोनों जुड़ रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। प्रार्थना की भगवान से। और तब सप्तर्षियों को भेजा भगवान, सप्तर्षि गए परीक्षा के लिए। अंतिम परीक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा, धन्य हो मातेश्वरी, धन्यवाद। क्योंकि तुम माया भगवान से ध्यान देना, ये महामाया, तुम माया भगवान सगल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सीता। आप तो भगवान शिव की महामाया है, मातेश्वरी जगत माता है। आप चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वो आदि शक्ति शैल सुते पाई पाई चंडी के रानी का पी, आदि शक्ति उसमें नहीं काफी, आदि शक्ति शैल सुते पाई पाई चंडी के, आदि शक्ति शैल सुते पाई पाई चंडी के, आप सभी हैं माँ की प्रार्थना है। आदि शक्ति शैल सुते पाई पाई चंडी के, शूल धरे भीति हरे मात चंडी, शूल धरे भीति हरे अम्ब शारदे, आदि शक्ति शैल सुते पाई पाई चंडी के, शैल सुते पाई पाई चंडी के, शूल धरे भीति हरे अम्ब शारदे, शूल धरे पाई पाई चंडी के, शूल धरे भीति हरे अम्ब शारदे।
लेकिन उसके बाद सप्तर्षियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा और स्वतः भगवान राम के ध्यान में डूब गए। पत्नी के चिंतन में जरा सा रहता यही प्रेम माता होता। मैंने कहा जिसे हम प्रेम मानते आई लव यू जो कहते हो वो आई माने मैं या यू माने तुम और मैं और मेरा तू और तेरा ये माया है। मैं और मोर तोड़ते माया ये प्रेम पिता पुत्र के बीच में या माता पुत्र के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं वो ममता है।